हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिकफुट। और आज हम बात करेंगे कौन सी टीम कंटेंडर है T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए और क्या अभी भी इंडिया सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बुलाना चाहता हूं आज के हमारे गेस्ट और हमारे यूट्यूब पार्टनर अजीम हसन को। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अजीम, जिस हिसाब से मैचेस चल रहे हैं तुम्हें क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी? भाई, स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट तो इंडिया लग रही थी, पर इंग्लैंड को देखो किस फॉर्म में है, कितनी खतरनाक फॉर्म रुकी है, और वही पाकिस्तान भी अच्छी कंटेंडर। मुझे भी इंग्लैंड और पाकिस्तान के चांसेस लग रहे हैं। भाई, जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है उनके सारे बैट्समैन को देख लो जिस हिसाब से फॉर्म है, और खास करके जॉस बटलर, उनकी फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ तुमने देखा था जो सेंचुरी मारी थी, तो इंग्लैंड बहुत खतरनाक टीम लग रही है। और भाई देखो, जिस तरह वो एंड ओवर में रन बना रहे हैं ना एक्सेलरेट करके, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप। और उनके बॉलर्स को भी देख लो, इन स्लो पिचेस में जिस तरह मोइन अली और मिडिल ऑर्डर में आदिल रशीद ने बॉलिंग करी है, वो भी बहुत ही इफेक्टिव। ये मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि मोइन अली जिस हिसाब से इनका फॉर्म आईपीएल में था, सेम वही फॉर्म इन्होंने बरकरार रखा वर्ल्ड कप में भी। यार, ये बहुत ही डेंजरस टीम लग रही है, कहीं फिर से इंग्लैंड वर्ल्ड कप ना जीत जाए 2019 के। पर तो लगता है ऑस्ट्रेलिया को भूल गए, वो एकदम टर्टल की तरह है, आराम से चलती है और फाइनल भी जीत ले जाती है। हाँ सही कह रहे हो यार, ऑस्ट्रेलिया को कौन बोल सकता है, उनका डोमिनेंसी देख लो, वर्ल्ड क्रिकेट में 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो अजीम, हमारे इंस्टाग्राम पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इससे पहले लोगों से मैं बता दूं कि अगर आप भी कुछ क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। हां, वो तो मस्ट है। तो अजीम, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वाज योर फेवरेट प्लेयर थ्रू द टूर्नामेंट? ये क्वेश्चन दीपक ने पूछा है। इसका जवाब तो बहुत आसान है, ऑब्वियसली जॉस बटलर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये राहुल ने पूछा है कि व्हिच टीम्स कैप्टन इंप्रेस्ड यू द मोस्ट? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके मैं 2 आंसर दूंगा। पहला मैं एयर मॉर्गन बोलूंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से आईपीएल में केकेआर की कप्तानी की है, और वही वही कप्तानी और वही सेम कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड के साथ भी कर रहे हैं। और देखिए, ध्यान से देखिए कि केकेआर को फाइनल तक लेके गए थे और इंग्लैंड को भी वो सेमीफाइनल तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। और दूसरे नंबर पे मैं विराट कोहली का नाम दूंगा, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव हार के बाद उन्होंने अपनी टीम को बैक किया है और फिर से सारे प्लेयर्स को वापस ले कर आए। हाँ सही कह रहे हो, विराट ने बहुत ही अच्छी कप्तानी करी है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, विच टीम विल विन T20 वर्ल्ड कप? सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर बताइए। सिर्फ एक सेंटेंस में कहें तो अगर इंडिया क्वालिफाई करेगी तो इंडिया के सपोर्ट में करूंगा, पर इंग्लैंड। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है, अब इस पे बात करते हैं कि क्या इंडिया अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। देखिए, इंडिया कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी ये इंडिया पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, सब कुछ 7 तारीख के न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच पर डिपेंड करेगा। अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देती है तो इंडिया बाहर हो जाएगी, और वहीं अगर उस दिन अफगानिस्तान की टीम कोई करिश्मा करके न्यूजीलैंड को हरा दे तब तो इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुले ही। हाँ यार, ये बात तो सही है, पर मुझे लगता है कि ये मुश्किल गेम होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड को हरा पाएगी, क्योंकि पहली बात मैच अबूधाबी में, और अबूधाबी की बैटिंग पिच है, और जिस तरह की न्यूजीलैंड की बैटिंग है और वो उस पर अच्छी बैटिंग भी करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान खुद ही अपनी बैटिंग में भरोसा नहीं करते तो उनका पता ही नहीं वो कब रन बनाएंगे। हाँ, ये तो सही कह रहे हो, पर मैंने भी कुछ कहा है, मैंने कहा अगर कोई करिश्मा हो जाए, मतलब हो गया तो अफगानिस्तान जीत सकती है, वरना तो सभी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी। सही बात है भाई, कल पूरा इंडिया अफगानिस्तान के साथ है। पर मैं चीज पूछना चाहता हूं, मुजीबुर रहमान की क्या इंजरी अपडेट है? हां, जहां तक न्यूज़ आई है कि वो खेलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की, देखिए अफगानिस्तान की जीत में राशिद खान और मुजीबुर रहमान 2 ही मेन रोल प्ले करेंगे। तो चलिए, इंडिया के हाथ में तो अब कुछ है नहीं, अब इंडिया सिर्फ दुआ ही कर सकते कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। तो आज की वीडियो को पर यहीं पे एंड करते हैं। अजी, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा लें, क्योंकि हम लोग रोज अननोन फैक्ट्स और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज डालते हैं जो कि आपको अपडेट रखेगी क्रिकेट से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक्स अजीम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।